आफ्टरनून। आज हम क्लास नाइन्थ जो है कि साइंस वन में चैप्टर नंबर जो हमारा थ्री है, चैप्टर नंबर थ्री का हमारा लेक्चर नंबर टू रहेगा। ये लेक्चर नंबर टू, वन लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, आपने आई होप वो वीडियो देखा होगा। इस वीडियो को भी पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा बेसिक क्लास का फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पर भी जो है आईडी है, तो उसको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो उसको ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, तो वहाँ पे भी आपको मेरे ये वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत सेल का विभवांतर क्या होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। सेल मतलब जो बैटरी होती है ना, उसको विद्युत सेल बोल सकते हैं हम। तो आपने देखा होगा कि जब भी आपकी बैटरी जो रहती है, एक तरफ पॉजिटिव होती है, एक तरफ नेगेटिव होती है, तो ये धनाग्र और ऋणाग्र के विद्युत विभवों के अंतर को, मतलब इन दोनों के जो विद्युत विभव के जो अंतर होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो विद्युत सेल का विभवांतर कहते हैं। मतलब वो वही इस सेल का जो है विभवांतर कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे विद्युत सेल में संपन्न होने वाली, मतलब सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण ही इस विभवांतर का निर्माण होता है। जो विभवांतर बनता है धनाग्र और ऋणाग्र में, भी जो विद्युत विभव में जो अंतर होता है, वो इस केमिकल रिएक्शन के कारण होता है। और यही विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को गतिशील करते हैं, मतलब इसके कारण ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, मूव करते हैं और दोनों अग्रों को जोड़ते हैं। जब हम मतलब किसी भी, जब ये सेल हम किसी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव किसी चीज़ से हम जब जोड़ते हैं तो वहाँ सुचालक से, तो वहाँ पर धारा का प्रवाह होता है, मतलब विद्युत प्रवाह होता है और वो चीज़ चलने लगती है या जलने लगती है। अगर लाइट है तो जलने लगेगी और फैन है तो चलने लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये है कि इकाई धनात्मक आवेश को बिंदु ए और बिंदु बी तक स्थानांतरित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, मतलब कि अगर किसी वायर में ये धनात्मक आवेश को यहाँ ए से बी तक जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु ए और बी के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं, इसके इन दोनों के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं। आई होप इस जो है धनात्मक आवेश जो है ए से बी तक जाने में जो कार्य करते हैं, उसे ही बिंदु ए और बी के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोनों बिंदुओं के बीच की बीच का जो विभवांतर होता है, उस बराबर होता है कार्य बटे स्थानांतरित हुआ कुल आवेश। मतलब विभवांतर को कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं, कार्य को डब्ल्यू से और आवेश को क्यू से। तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब यहाँ पे वन वोल्ट इज इक्वल टू, इसका इकाई क्या होती है, कार्य की जूल होती है और आवेश की इकाई कुलाम होती है। तो एक वोल्ट बराबर एक जूल बटा एक कुलाम, ये जो है विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है, आपको पता है, या वी से, इसीलिए इसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरीके से इसका जो है एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा। यहाँ पे देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दिखाया गया है कि जो है सेंटर में न्यूक्लिया होते हैं और उसके परितः जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके परमाणु मूव करते रहते हैं। अगर ये परमाणु एक दूसरे से लगे हों और इसमें धारा का प्रभाव, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आप जैसा देख सकते हैं मूव करते रहते हैं। अभी यहाँ पे देखिए जो है वैज्ञानिकों का परिचय में देखिए कि इटली के वैज्ञानिक एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने सर्वप्रथम विद्युत सेल बनाया था। आपने विद्युत सेल की बात सुनी है ना, बैटरी सेल जो होता है, उसके सबसे पहले एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने बनाया था। ये क्वेश्चन जीके का भी है और आप पूछा भी जा सकता है। उसके सम्मान में विभवांतर की इकाई का नाम वोल्ट दिया गया है, मतलब जो विभवांतर का इकाई का मान, जो इकाई वोल्ट है, वो वोल्टा के सम्मान में ही वोल्ट दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए इसका कुछ नाप है, ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विभवांतर का सूक्ष्म मान निम्नलिखित इकाइयों द्वारा व्यक्त किया जा जाए। जैसे 1 मिली वोल्ट जो होता है वो 10^-3 वोल्ट के बराबर है, और 1 माइक्रो वोल्ट जो होता है वो 10^-6 वोल्ट के बराबर होता है, पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। और 1 किलो वोल्ट 10^+3 के बराबर होता है, और 1 मेगा वोल्ट जो होता है 10^+6 वोल्ट के बराबर होता है। तो इस तरीके से इसका जो है माप होता है, इकाइयों को व्यक्त करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए आगे दिया है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए किसी भी धात्विक विद्युत चालक के प्रत्येक परमाणु के आसपास एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कोई भी अगर विद्युत का चालक है तो उसके परमाणुओं के आसपास इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, और जो परमाणु के केंद्र से अधिक क्षीण बल से आबद्ध होते हैं, मतलब कि वो
उसके आसपास मूव करते हैं, लेकिन उसकी जो परमाणु का जो केंद्र होता है उससे बहुत बहुत ही कम बल होता है, क्षीण बल होता है, उससे जुड़े होते हैं, उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब ये इसके बीच में जो जो बल होता है बहुत वीक होता है, इसीलिए इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इसके चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों में, जब चालकों में ये इलेक्ट्रॉन एक भाग से दूसरे भाग की ओर सरलता से जा सकते हैं, इस कारण इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश वहन होता है, अर्थात चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश के वाहक होते हैं। तो यहाँ पे ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं यही जो है हमेशा ऋणात्मक आवेश का वहन करते हैं, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश के वाहक हो जाते हैं, मतलब कि आवेश को ग्रहण करते हैं और ऋण आवेश मोस्ट ऑफ उसमें होते हैं। अब यहाँ पे देखिए वायर में जो क्या होती है, वायर में या तार में प्रवाहित होने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, वो क्या होती है। यहाँ पे देखिए चित्र में आप देख सकते हैं कि धातु की तार है और उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वो जिगजैग मोशन में मूव करते रहते हैं। और लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर देखिए कैसे किसी भी तरीके से मूव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनको सेल्फ से जोड़ा जाता है तो उनका मूव करने का एक सीक्वेंस बन जाता है। वो कैसे जाते हैं, ऋण से धन की ओर मूव करते हैं। तो ये होता है जो है इलेक्ट्रॉनों को मूव करने का। यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया अनुसार जब विद्युत चालक तार विद्युत सेल से जोड़ी नहीं गई है, यहाँ पर देखिए ये विद्युत सेल से जोड़ी नहीं गई है, तब उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके अन्य परमाणुओं के बीच सभी दिशाओं में घूमते हैं, मतलब यहाँ यहाँ कहीं भी घूम सकते हैं, इनका कोई मोशन नहीं होता, जिगजैग मोशन में घूमते हैं। परंतु उस तार के सिरे को जब से ही शुष्क सेल से या बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो विद्युत स्रोत के जोड़ते ही जब तार में इलेक्ट्रॉनों का विभवांतर के कारण विद्युत बल कार्य करता है, तो जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, ऋण आवेशित आवेश होने के कारण सुचालक तार के ऋण सिरे से, मतलब निम्न विभव से धन सिरे की ओर, यानी कि उच्च विभव की ओर क्या होते हैं, प्रभावित होने लगते हैं। प्रभावित होना मतलब बहना। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने से तार में जो क्या होता है, तार से विद्युत धारा बहने लगती है। अब जैसे इसमें सेल जोड़ा, इसमें क्या हुआ, विद्युत धारा बहने लगी, और इलेक्ट्रॉनों की यह जो गतिविधि होती है वह अनियमित और औसत चाल द्वारा शुरू होती है, मतलब कि अनियमित औसत चाल द्वारा ये गति स्टार्ट होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि विद्युत सेल में कैसे धारा, किसी भी जो है विद्युत चालक में धारा का प्रवाह कैसे होता है, और किस तरीके से विभवांतर की जो इकाइयां क्या हैं, किसका मान कितना होता है वो होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम विद्युत धारा के इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। तब आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।